गणेश चतुर्थी के मौके पर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उनके वाहन मूसक और उनके एक दंत होने की कहानी। जो कहानी है एक राक्षस, भयंकर राक्षस गज मुखासुर की। तो कहानी की शुरुआत यहां से होती है कि गज मुखासुर ने अमर होने के लिए शिव भगवान की भक्ति की और शिव भगवान ने उनको वरदान दिया कि तेरा किसी अस्त्र से मृत्यु नहीं होगी। उसके बाद गज मुखासुर दुनिया पर हावी होने लगा, लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगा और लोग अत्याचार से प्रभावित होकर ईश्वर की शरण में गए, शिव की शरण में गए। शिव ने गज मुखासुर को शांत करने का और युद्ध करने का काम दिया गणेश को। क्योंकि वो शस्त्र से मारा नहीं जा सकता था, तभी गणेश भगवान ने अपना एक दांत तोड़कर उससे हमला किया। वो कायरों की भांति डरने लगा, कायरों की भांति चूहे में बदल गया। तभी गणेश जी ने उसको क्षमा कर दिया इसी शर्त पर कि वो चूहा बनकर उनका वाहन बनेगा। तो ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि जब कोई भी बुरी शक्ति किसी भी तरह बलवान होती है तो वो राक्षस का रूप ले लेती है, लेकिन जैसे ही ईश्वर की नज़र उस पर पड़ती है, जब उसकी करनी का वक्त आता है, तब वो चूहे जैसा दुम दबा के भाग जाता है और ईश्वर उसको बताते हैं कि तुम जो अपने आप को अभिमान में